आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। देवरिया दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल, कलेक्टर में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर, मझगावा पीएचसी का किया निरीक्षण, पिपरपाती गाँव में निगरानी समिति के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 8 साल की बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा दादा। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बच्ची से की बात, दिया आशीर्वाद। एक दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कोविड और इंसेफ्लाइटिस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा, कंट्रोल रूम के निरीक्षण के साथ गांव का किया भ्रमण, निगरानी समिति के सदस्यों से की वार्ता, कहा करे बेहतर काम, सरकार है आपके साथ। कोरोना कर्फ्यू के दौरान तय समय के बाद खुली दुकानों के विरुद्ध पुलिस कर रही है कार्यवाही, एसएसपी ने कहा तय समय के बाद दुकानें खोलकर बैठे लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट एवं एनफोर्समेंट के तहत होगी कार्यवाही। एसएसपी के निर्देश पर कोविड काल में जनता के लिए विभिन्न चौराहों पर लगाया गया बैनर पोस्टर, डायल 112 और कोरोना वायरस से बचाव की गई है अपील, पीआरवी जवानों ने भटकी हुई बच्ची को परिवार वालों से मिलाया तो घायल का कराया उपचार। जनपद में कच्ची शराब बनाने वालों को लेकर पुलिस सतर्क, एसएसपी ने कहा विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब और उपकरण को किया गया नष्ट, जिले से खत्म होगा कच्ची शराब का धंधा। गोरखपुर में बुधवार को मिले 202 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,489, अब तक 646 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 2,617 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। किसानों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, कृषि बिल को वापस लेने की मांग। अंतर जनपदीय शातिर चोर को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक देशी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 105 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5,000 किलो लहन किया गया नष्ट, तोड़ी 5 भट्टियां। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों का 28 मई को होगा पासिंग आउट परेड, बुधवार को किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल, कदम ताल करती नजर आई महिला प्रशिक्षु आर्ची। जनपद में जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर किया गया 18,046 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 10,022 तथा 18 साल से ऊपर के 8,024 लोगों को लगा कोविड का टीका, सीएमओ ने कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। राष्ट्रबंधन समिति के तत्वाधान में बुधवार को जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को किया गया निःशुल्क भोजन का वितरण, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की गई कामना। नवीन महमा मंडी में जल भराव को दूर करने के लिए मंडी समिति ने बनवाया आरसीसी रोड, दुकानदारों थोक व्यापारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था हुई बेहतर, मंडी सचिव ने कहा अब मंडी में जल भराव की समस्या से मिलेगी निजात। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा लगाया गया आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जनपद पुलिस कड़ाई से करवा रही है पालन, एसपीसीटी ने कहा जनता स्वयं कर रही है कोरोना कर्फ्यू का पालन। और चक्रवाती तूफान यास का गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में पड़ सकता है असर, 27 मई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना, आपदा विभाग ने जारी किया अलर्ट।